आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर लेंगे जिसका नाम है हमारा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आया है? दोनों के बीच अंतर समझेंगे हम कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, दोनों में अंतर भी है। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से समझेंगे, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्शन में लाइट आती है किसी मीडियम में और उस मीडियम के सरफेस से क्या हुआ, टकराया और उसी मीडियम में क्या हो गया, वापस लौट गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो रहा है? लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है हमारा, उसमें लाइट उसी मीडियम में वापस नहीं लौटता है, वो एक मीडियम से किसमें चला जाता है, दूसरे मीडियम में चला जाता है। मेरी बात समझिएगा, दूसरे मीडियम में चला जाता है, यस और नो? और आपको एक बात और पढ़ाए होंगे चैप्टर वन में कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, पता है आपको? कभी लाइट टेढ़ा मेढ़ा ऐसा देखे ना, ऑफिस से उतर के एने आ गया, एने आकर निकल लिया, ऐसा लाइट होता है क्या? हमेशा एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन में चलता है, तब तक जब तक कि वो मीडियम समाप्त ना हो। लेकिन जहां एक मीडियम समाप्त होता है और दूसरा मीडियम क्या होता है, शुरू होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जहां एक मीडियम क्या होता है, समाप्त होता है और दूसरा मीडियम क्या होता है, शुरू होता है, वहां पर हल्का सा लाइट क्या होता है, रे, हल्का बेंड करता है, बेंड मतलब मुड़ता है। क्लियर है? और फिर जैसे ही सेकेंड मीडियम में गया तो फिर सेकेंड मीडियम में जहां तक सेकेंड मीडियम समाप्त नहीं होगा तहां तक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इसलिए कहा गया है एक मीडियम में लाइट कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। हाँ, चेंज करता है कब, जब मीडियम क्या करता है, चेंज होता है, यस और नो? ठीक है, तो लाइट एक मीडियम से टकराकर उसी मीडियम में वापस आ गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब लाइट एक मीडियम से किस में गया, दूसरे मीडियम में गया, तो जहां पर एक मीडियम समाप्त हुआ और दूसरा मीडियम क्या हुआ, शुरू हुआ, वहां हल्का सा बेंड करता है, इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन कौन समझा इस चीज को, पक्का समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium, the bending of light when it goes from one medium to another medium is called, क्या कहा जाता है बोलिए, refraction of light। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट से और ज्यादा क्लियर आपका होगा, ध्यान से समझिएगा। रेडी? देखिए, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट? यहां ये रे आया, इसको कौन सा रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं? और ये रिटर्न होके गया, इसको कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे। क्या? रिफ्रैक्टेड नहीं, क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है बोलिए, इंसिडेंट रे, और ये आपका रिफ्लेक्टेड क्या है, रे। अब आप सब जानते हो कि यहां से परपेंडिकुलर डाला जाता है यहां पर, तो यहां पर
एक एंगल इधर बनाया, एक एंगल इधर बनाया, यस। इस एंगल को बोलते हैं आई और इस एंगल को बोलते हैं आर। कोई कंफ्यूजन? आए, यहां एंगल आई जो है बाबू उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस। और एंगल आर जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन, यस। अब यहां आप देख रहे हैं एक मीडियम से आया और उसी में क्या हो गया? वापस चला गया, यस और नो? तो यहां जो लाइट के द्वारा जो फेनोमेनन दिखाया गया वो रिफ्लेक्शन हुआ कि रिफ्रैक्शन हुआ? तो ये जो फेनोमेनन है इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? बोलिए फटाफट। ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि इसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं गया, उसी मीडियम में वापस लौट गया। क्लियर है? लेकिन एक दूसरा केस हम लोग लेते हैं, यहां से समझेंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लिया जाए मीडियम वन है। क्या है? मीडियम वन। और ये मीडियम टू मान लिया जाए। ये मीडियम आपका वन क्या है? एयर है। और मीडियम टू क्या है? वाटर है। मीडियम वन क्या है बच्चे लोग बोलो? एयर। और मीडियम टू क्या है? वाटर। क्लियर है? अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी एयर से किसमें आएगा? वाटर में आएगा, यस और नो? ठीक है, आगे पढ़ेंगे रेयरर और डेंसर, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप समझ लीजिए ये एयर क्या है? रेयरर मीडियम है। और वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है। आगे बताएंगे कि रेयरर किसे कहेंगे और डेंसर किसे कहेंगे। ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। अब क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए। ऐसे आया रे, क्लियर हो रहे हैं? बात समझ में आया? यस। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ऐसे है। ये क्या है आपका बाबू? नॉर्मल है, यस। तो सिस्टम के हिसाब से रे को कैसे जाना चाहिए बताइए? सिस्टम के हिसाब से रे को ऐसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि नियम कहता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, ओके। लेकिन जैसे ही लाइट एक मीडियम से किस में गया? दूसरे मीडियम, जहां एक मीडियम समाप्त हुआ और दूसरा मीडियम क्या हुआ? शुरू हुआ। वहां हल्का सा लाइट क्या करता है? बेंड करता है। हल्का सा क्या किया? बेंड किया, यस और नो? और ये कैसे बेंड करता है आइए हम समझते हैं। ये बेंड ऐसे कर जाता है, बात समझे कि नहीं समझे? तो जाना ऐसे चाहिए, अगर ऐसे जाता तो स्ट्रेट जाता, लेकिन ऐसे नहीं जाके हल्का सा क्या किया? बेंड किया। तो इसी फेनोमेनन को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट जब एक मीडियम से, बोलिए लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो क्या करेगा? बेंड करेगा। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं क्या? तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? अब देखो यहां पर ध्यान दो, ध्यान से समझना। यहां एंगल आई था और आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या? तो यहां आपको आई क्या है बोलिए? एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? लेकिन बाबू लोग यहां जो ये एंगल आर है इसी को ना बोलेंगे एंगल आर? तो एंगल आर जो होगा वो चूंकि ये रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है, हो क्या रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? ये जो रे है बाबू, जैसे यहां इंसिडेंट रे है उस तरह से ये भी कौन सा रे है? इंसिडेंट रे ही है, लेकिन यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, क्या सा रे होगा?
रिफ्रैक्टेड रे होगा, क्या होगा? थोड़ा थोड़ा का अंतर है, ये कौन सा रे हुआ बताइए? रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो फेनोमेनन हुआ, इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे बताइए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? तो राइट डाउन। ध्यान से समझिए, अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिकल मीडियम। क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ जी, ऑप्टिकल मीडियम। पहले इसको यहां घसका दीजिए। ऑप्टिकल मीडियम ध्यान से समझिएगा, हल्ला नहीं, एकदम सीरियसली पढ़िए। ऑप्टिकल मीडियम क्या है? जिस भी मीडियम से होकर, जिस भी चीज से होकर, जिस भी मटेरियल से होकर लाइट गुजरती है, लाइट पार करती है, उस मटेरियल को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल मीडियम। जैसे हवा से होकर, हवा एक मटेरियल है कि नहीं है? बस हवा एक मटेरियल है, तो हवा से होकर लाइट गुजरती है कि नहीं? तो हवा को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम। वाटर से होकर लाइट गुजरती है, तो वाटर को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम। यस और नो? ठीक है। ग्लास से होकर लाइट गुजरती है, तो ग्लास को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम। यस। डायमंड से होकर लाइट गुजरती है, तो डायमंड को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम। जिस चीज से भी होकर लाइट ट्रेवल करता है, प्रोपेगेट करता है, उस चीज को, उस मटेरियल को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल मीडियम। कोई कंफ्यूजन? द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, या इसी को दूसरे वर्ड में प्रोपेगेट, द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल या प्रोपेगेट आर कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम, मीडियम्स। अब ऑप्टिकल मीडियम जो होते हैं बच्चे लोग, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के ऑप्टिकल मीडियम होते हैं? दो तरह के होते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। कितने तरह के होते हैं? दो तरह। ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल मीडियम दो तरह के होंगे, ध्यान से समझिएगा। रेयरर मीडियम, कंटिन्यू लिखते चलेंगे इसको, क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम किसको कहते हैं? वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? रेयरर मीडियम वैसा मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ में आए? और डेंसर मीडियम वैसा मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यह जो क्लासिफाई किया गया है डेंसिटी के बेसिस पर किया गया है। किसके बेसिस पर? जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कौन सा मीडियम होगा? रेयरर। और जिसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा, वो कौन सा मीडियम होगा? डेंसर। अब मान लो एक रोड है, यस। अब रोड पर आप बाइक चला रहे हो, तो आप बाइक पर बैठे हुए, आप लाइट मान लो अपने आप को, यस। बाइक पर आप बैठे हुए हो, तो आप बाइक और अपने आप को दोनों को मिला के क्या मान लो? आप लाइट मान लो, यस। अब दो रोड है, एक रोड है जिस पर काफी लोग की भीड़ है, यानी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो उस रोड पर आपको बाइक चलाने में स्पीड ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, यस। कम इसलिए है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और एक ऐसा रोड है जो पूरी तरह से खाली है, उसमें लोगों की डेंसिटी कम है, लोग कम घने रूप में खड़े हैं, तो आराम से पार कर जाएंगे कि नहीं? स्पीड ज्यादा होगा। तो मुझे बताइए कि स्पीड लाइट का कम हुआ किसमें? डेंसर में कि रेयरर में? आए डेंसर में। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि नहीं?
तो रेयरर मीडियम उसको कहेंगे जिसमें लाइट का स्पीड मोटरसाइकिल का स्पीड क्या है, ज्यादा है, और डेंसर मीडियम उसको कहेंगे जिसमें मोटरसाइकिल का स्पीड क्या है, कम है। कोई कंफ्यूजन? मोटरसाइकिल मतलब क्या? लाइट। समझ में आ रहा है? ठीक है। द मीडियम, ठीक है, इन विच ए स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, नहीं, इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। इसी का जस्ट उल्टा, द मीडियम इन विच ए स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, नहीं, या लाइट ट्रेवल स्लोली भी लिख सकते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां किसी का एग्जाम्पल नहीं लिखा, न रेयरर का एग्जाम्पल लिखा न डेंसर का। क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे मैं बताता हूं, ध्यान से समझिए। रेयरर और डेंसर दोनों रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब यह है कि आप उसका तुलना किसके साथ करा रहे हो, कंपेयर किसके साथ करा रहे हो। जैसे एक आम आदमी और हमारे बीच कंपेयर कराओगे, फाइटिंग कराओगे, क्या लगता है? हम कुटा जाएंगे कि हम कूट देंगे? कूट देंगे, देखो पक्का? तो उसके तुलना में हम ज्यादा ताकतवर हुए कि नहीं हुए? ध्यान से समझो, मैं मेरा कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूं उसको समझो। उसकी तुलना में हम ताकतवर हुए, यस। उससे कंपेयर किए तो हम क्या हो गए? ताकतवर हो गए। लेकिन अगर मेरी लड़ाई खली से करा दो तो खली चूर देगा हमको। अब देखो यार, खली से कंपेयर करा दिए तो हम कमजोर हो गए, और उससे कंपेयर करा दिए तो हम क्या हो गए? मजबूत हो गए। कॉन्सेप्ट आ रहा है? तो हमको तुम मजबूत कहोगे कि कमजोर कहोगे? कुछ नहीं कह सकते हो। वो डिपेंड किस पर करता है? किसके साथ मेरा क्या करा रहे हो? कंपेयर करा रहे हो, यस और नो? कमजोर के साथ कराओगे तो हम मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत के साथ कराओगे तो कमजोर हो जाएंगे। सेम फंडा यहां लागू होता है, यस और नो? ठीक है। जिसको तुम रेयरर कहोगे वो कभी डेंसर हो जाएगा, और जिसको डेंसर कहोगे वो कभी रेयरर होगा। देखो मैं समझाता हूं अभी आप। नोट, रेयरर एंड डेंसर आर रिलेटिव टर्म्स। कौन सा टर्म्स है बोलो? रेयरर और डेंसर कौन सा टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स। देखो जैसे समझो, यहां पर जैसे एग्जाम्पल में एयर एंड वाटर का कराओ कंपेयर, किसका? तो एयर और वाटर का जब आप कराते हैं आप, तो यहां एयर किसका काम करेगा बोलिए? रेयरर का है। और वाटर क्या है, कौन सा मीडियम है? डेंसर। एनी कंफ्यूजन? अब देखिए तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में आ जाते हैं, वाटर एंड ग्लास का कराइए, तो इस केस में क्या होता है बताइए? तो वाटर हो गया रेयरर और ग्लास हो गया क्या? डेंसर। तो आपने यहां पर देख लिया अच्छे तरीके से कि वाटर कभी डेंसर हुआ करता था, वही वाटर अब क्या हो गया? रेयरर। इसका मतलब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसका कंपेयर किसके साथ क्या करते हैं, कराते हैं। कोई कंफ्यूजन? 100% क्लियर हुआ? नोट। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद तो दो केस बनता है। एक केस बनता है कब? जब लाइट रेयरर से किधर जाएगा? डेंसर में जाएगा। और दूसरा केस क्या होगा? डेंसर से रेयरर में। तो ये तो समझ गए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंड करेगा, ये तो क्लियर है, यस और नो? लेकिन कैसे बेंड करेगा इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। केस वन,
व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब लाइट किससे में जाता है कहां पर बताइए, डेंसर से कहां जाता है बताइए, रेयरर जाता है, तब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, सीखिए सब लोग। डेंसर से रेयरर, ये मीडियम आपका है डेंसर और ये है रेयरर। एग्जाम्पल के तौर पर डेंसर में वाटर ले लो और रेयरर में क्या ले लो, एयर ले लो। आप ग्लास यहां लोगे तो यहां वाटर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा ध्यान से समझना, ये समझने का चीज है, ध्यान से समझो। डेंसर से आया ये, अब ध्यान से समझिएगा, ये नॉर्मल है, क्या है ये नॉर्मल है, तो जाना ऐसे चाहिए था कि नहीं चाहिए था, लेकिन होगा कुछ और, ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। बात कुछ समझ में आ रहा है, ये हुआ एंगल आई और ये हुआ एंगल आर, यस और नो। तो यहां से क्या पता चला कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से कहां जाएगा, दूर जाएगा, यस और नो। और ऐसे केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा, कोई कंफ्यूजन, जबकि रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई एंगल आर के क्या था, बराबर था कि नहीं था, लेकिन इसमें बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लाइट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से किधर जाता है बच्चे लोग, दूर जाता है, यस और नो। इस केस में एंगल आर बड़ा होगा एंगल आई से, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन। नेक्स्ट केस टू, पहली केस में हम लोग डेंसर से किधर ले गए, रेयरर ले गए, अब ले जाएंगे किसको, रेयरर से किधर, डेंसर की ओर, ध्यान से समझिएगा। वो आप ऊपर नीचे कोनो ले सकते हो, रेयर और डेंसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझना है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर डेंसर मीडियम, जब रेयरर से किधर जाता है डेंसर, तब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इस बार रेयरर ले लिए और इधर नीचे क्या हो गया, डेंसर हो गया। एग्जाम्पल में रेयरर में एयर ले लीजिए ऊपर और वाटर क्या ले लीजिए, नीचे। अब रेयरर से किधर गया, डेंसर में, तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा सब बच्चे। ऐसे लाइट आया, नॉर्मल ऐसे है, ये नॉर्मल को एन एन डैश लिखते हैं, क्लियर है, जाना तो चाहिए ऐसे,
लेकिन ऐसे नहीं के ओके ये नॉर्मल की ओर थोड़ा मुड़ जाता है, यस और नो, ऐसे चला जाता है। मेरी बात दिमाग में आ रहा है? तो यहां पर ये हुआ एंगल आई और यहां ये हुआ एंगल आर। अब इस केस में बताओ कौन बड़ा होगा, एंगल आई बड़ा होगा कि एंगल आर बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? हाँ, तो क्या लिखेंगे? लाइट जब रेयरर से किधर जाता है, डेंसर, तो लाइट क्या होगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। तो लाइट क्या है, मूव्स टुवर्ड्स द, कौन चीज बोलिए, नॉर्मल। लाइट किसकी ओर मुड़ जाता है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। यहां पर एंगल आई कौन बड़ा होगा, यहां एंगल आई बड़ा होगा किससे, एंगल आर से। क्लियर है? तो अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर पूछेगा तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, उसी मीडियम में वापस आता है। रिफ्रैक्शन में मीडियम क्या होता है, चेंज होता है, ये डिफरेंस नंबर वन। रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। एंगल आई इज अन इक्वल टू एंगल आर। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कुछ अंतर है, आप इसको नोट डाउन करिए। टॉपिक क्या है हमारा, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन जो होता है उसका क्या कारण है, आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ध्यान से समझिएगा। लाइट जो है वो एक वेव है। क्या है ये वेव? लाइट क्या है? वेव है। वेव में कई प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन तीन प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिएगा जो वेव में होते ही होते हैं, और वो है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। क्या क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोल दीजिए, जो बोल दीजिए। क्या क्या बोले? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। तो चूंकि लाइट भी एक वेव है, आप जानते हैं लाइट कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, ये भी बताए थे आपको। तो लाइट एक वेव है तो जिसके कारण इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होगा, वेवलेंथ भी होगा और स्पीड तो होगा। आप सब जानते हैं लाइट का स्पीड 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, सब जानते हैं आप, कोई कंफ्यूजन? ध्यान से समझिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ध्यान से समझिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलता है? फ्रीक्वेंसी होता है उसके अंदर, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है, लेकिन वेवलेंथ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? वेवलेंथ। क्या बोले? क्या नहीं बदलता है? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, लेकिन क्या बदल जाता है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ बदलने के कारण उसका स्पीड बदल जाता है। क्या बदल जाता है? स्पीड। और स्पीड जैसे ही बदलता है तो हल्का सा वो क्या होता है, बेंड करता है, और यही बेंडिंग रिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी मेन कॉज रिफ्रैक्शन का क्या हुआ, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या? चेंज इन स्पीड। आप बाइक चलाओ, आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, स्मूथ स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, जब स्पीड चेंज होता है, आप ब्रेक लगाते हो या बढ़ाते हो स्पीड को, एक्सलेटर, तो हल्का सा उस समय गाड़ी थरथराता है, बेंडिंग होता है कि नहीं होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। क्या चीज? तो स्पीड आप कम करो और गाड़ी ऐसे ही चलते रहे स्मूथ, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे ही आप क्या किए, ब्रेक मारे तो हल्का सा क्या किया, बात समझ में आया? ठीक है, या एक्सलेटर मारे तो हल्का सा मूव किया कि नहीं मूव किया? तो ये दोनों प्रोसेस, जैसे ही स्पीड चेंज होगा तो हल्का सा उसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट आएगा, और मूवमेंट के कारण उसका बेंडिंग क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यही डायरेक्शन में चेंज क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। बात समझ में आया? तो आपसे पूछे रिफ्रैक्शन का मेन कारण क्या है, तो क्या बोलिएगा, चेंज इन स्पीड, यस और नो? और बेसिक कारण क्या है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है लेकिन वेवलेंथ बदल जाता है, जिसके कारण स्पीड क्या होता है, बदल जाता है। ध्यान से समझिएगा, कॉपी करें।
व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है, बट इट्स वेवलेंथ, बट इट्स वेवलेंथ चेंजेज। ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ, ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज। वेवलेंथ के बदलने से लाइट का स्पीड बदल जाता है, और दिस चेंज, दिस चेंज इन ए स्पीड इज द मेन कॉज ऑफ, क्या चीज बोलिए, मेन कॉज ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मेन कारण है। कॉन्सेप्ट मैप ध्यान से समझेंगे। इंटरेंस ऑफ लाइट इनटू अनदर मीडियम, लाइट दूसरे मीडियम में क्या होता है, पहुंचता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट, बदलता नहीं है, वेवलेंथ चेंजेज, वेवलेंथ बदल जाता है, वेवलेंथ बदलने के कारण चेंज इन क्या होता है बोलिए, स्पीड, स्पीड चेंज हो जाता है, और स्पीड चेंज होना क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाता है, लाइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट मैप है। ये हमारा कॉन्सेप्ट मैप है। समझ में आ रहा है बात बढ़िया से? लाइट दूसरे मीडियम में घुसा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदला, वेवलेंथ बदल गया, वेवलेंथ के बदलने से स्पीड बदला, स्पीड के बदलने से बेंड किया और रिफ्रैक्शन हो गया। यस, क्लियर? अब यहां ध्यान दो, बंद करो उसको, यहां फोकस करो। नाइन्थ क्लास में एक फॉर्मूला है, ध्यान देना, सीखिएगा। स्पीड जो होता है वेव का, स्पीड बराबर होता है वेवलेंथ अगुना क्या होता है बोलिए, फ्रीक्वेंसी। पढ़ाए हैं फॉर्मूला, ये अलग बात है आपको याद ना हो, बट मैं पढ़ाया हूं। स्पीड बराबर क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझिएगा, स्पीड को भी लिखें तब भी बराबर फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ को लेमडा लिखा जाता है, पता है आपको,
इस सिंबल को क्या बोलते हैं, लेमडा, इनटू फ्रीक्वेंसी को एफ। कोई प्रॉब्लम? तो भी बराबर क्या हुआ जल्दी बताइए, लेमडा इनटू एफ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अब यहां से दो फॉर्मूला निकल के आ सकता है हमारे पास, क्या आ सकता है फॉर्मूला नंबर वन बताइए, लेमडा बराबर वी बाई एफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और दूसरा फॉर्मूला एफ बराबर वी बाई लेमडा। कोई कंफ्यूजन? वर्ड में इसको क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ बराबर स्पीड बटा फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर स्पीड बटा वेवलेंथ, यस और नो, वो लिख लेना है आपको। अब दो केस होगा, ध्यान से समझिएगा। केस वन रेडी है, मैंने क्या बोला, स्पीड सेम, सॉरी फ्रीक्वेंसी सेम होता है लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाता है, और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो जाता है, स्पीड, और स्पीड चेंज होने की वजह से बेंड कर जाता है, और बेंड करने को ही क्या बोला जाता है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। सॉलिड समझ में आ रहा है? इतनो सा कंफ्यूजन, एकदम क्लियर हो रहा है? चलो ठीक, देखो यहां केस वन में, इफ मान लो फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ज है, ये समझने के लिए केवल बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है, और लेमडा मान लिया जाए 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है और लेमडा यानी वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, याद रखिएगा, सेंटीमीटर में भी लेते हैं, तो भी बराबर क्या फॉर्मूला है जल्दी बताइए, लेमडा इनटू एफ, यस। तो क्या हुआ, लेमडा कितना है बोलिए, 5 × 20, यहां 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब दूसरा केस लीजिए, केस टू में आ जाइए, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, कितना रहेगा 20 हर्ज। अब ये मत समझ लीजिएगा कि लाइट का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज होता है और लाइट का स्पीड 100 मीटर पर सेकंड होता है, ऐसा मत समझिएगा, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन हम समझा रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और मान लिया जाए लेमडा इस बार बढ़ा के 8 मीटर कर दिए, कितना कर दिए 8 मीटर, तो फॉर्मूला बराबर भी बराबर लेमडा इंटू एफ होता है कि नहीं होता है बताइए, होता है। तो लेमडा के जगह कितना हुआ 8, ना बुझा रहा है का, तो कितना हुआ, तो आपने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन वेवलेंथ बदल गया, तो स्पीड बदल गया कि नहीं बदल गया बताइए, सेम कहानी उस केस में होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है और वेवलेंथ के बदल जाने से स्पीड बदलता है, जिसके कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर हो रहे हैं?